हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम आए हैं एक देसी जड़ी बूटी यानी कि दवाई ढूंढने के लिए, और वो दवाई हमें मिल गई है। हमारे वो दवाई हमारे ठीक सामने है और मैं बताता हूँ इस दवाई के क्या फायदे हैं और क्या साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ी सी एहतियाती बरतनी है, यूज कर रहे टाइम। तो गाइस इस पौधे का नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसका साइंटिफिक नेम है ये, हिंदी नेम हमें ना पता, इसे गांव की लैंग्वेज में अंडवा के नाम से जानते हैं। तो इसे इसकी पत्तियों में दूध निकलता है सबे सबे, तो इसे तोड़ना है और इसे उस जगह पर लगाना है जहाँ पर बाल नहीं आते हैं। किसी के भी थोड़े से बाल उड़ गए हैं, किसी फुड़िया किसी भी तना से, तो इसका जो दूध निकलेगा तोड़कर मैं अभी दिखाऊंगा, उसे आप उस जगह पर लगा लें जहाँ पर आपके बाल नहीं जमकर आ रहे हैं। तो गाइस देखिए हमने एक पत्ता तोड़ लिया है। अब इसका जो ये सबे सबे जो ये वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको ये, और इसे उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपके बाल नहीं आ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। बट हाँ इसे लगाते टाइम कुछ चीजों को बहुत ध्यान रखना है गाइस, आंखों में इसकी एक भी बूंद नहीं जाए क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं इससे अंधे हो सकते हैं। यार दो लड़कों ने यूज किया था, हमारे कजन ब्रोदर ने, दोनों उनके तो बाल आ गए थे। एक के यहाँ से साइड से रुपया के बराबर सर्कल बन गया था, वहाँ के बाल उड़ गए थे और एक के और उड़ गए थे यहाँ के माथे के, उनके बाल आ गए इसे लगाया उन्होंने। तो गाइस तो मैंने दो पौधे उखेड़ लिए हैं, देखो जड़ से इन्हें घर पर लगाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी बार बार। दो पौधे मैंने खुद उखेड़ लिए हैं और कुछ जो भी इसके अंदर से अरक निकला था यानी कि रस तरल पदार्थ जो निकला था वाइट वाइट, वो इसके माथे पर लगा दिए जहाँ पर बाल नहीं है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर और आज का ब्लॉग जो है यहीं पर खत्म करते हैं। हमारी गाड़ी सांप बन ली है या रेती की वजह से, वो मच्छी मार ली सामने। मैं गाइस अभी आपको मच्छी दिखाता हूँ, ब्लॉग खत्म नहीं कर रहे हैं हम। गाइस देखिए ये मच्छी मारी जा रही है, इन्होंने जाल डाल दिया इतना बड़ा, कुछ उधर कुछ इधर और बीच में जाल है। अभी पहले तब देखते हैं कितनी मछलियां निकलती हैं इसमें। हाँ भाई सब क्या कर रहे हो, मच्छी मार रहे हो, सही है। खराब मछली काट दियो की मार दिया। चलो कोई काटना।